यश भाई का बाइक गिर चुका है यहाँ पे, सो देख सकते हो भाई लकड़ी लकड़ी बचे हैं। जा जा उठा उठा, ये फिर आ गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरलैंड सर्वे। जैसे सबको सलाम नमस्ते जोहार, सो क्या हाल चाल मेरे प्यारे तेरे भाई और बहनों, आप लोग का स्वागत है हमारे जंस्कार के राइड पर, जंस्कार 2.0। और हम आज वही जगह पहुंच चुके हैं जहां लास्ट ईयर हम पहुंचे थे और हमारी बाइक की NS200 का क्लच प्लेट जल गया था। हम और उस समय अभिनव भाई था, गुरु अभिनव, और हम अभी वही जगह पहुंचे और मैं आज ब्लॉगिंग का शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ। उस समय का मंजर कुछ और था, हम इमोशनली बहुत मतलब क्या बोले डीमोटिवेट हो गए थे क्योंकि यहाँ से निकलना भी बहुत टफ था। थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे। भाई लोग जो हो रहा हम लोग के साथ बहुत बुरा हो रहा भाई। जस्ट अभी हम लोग वाटर क्रॉसिंग, ये रिवर क्रॉसिंग पार की है और अपनी बाइक की क्लच प्लेट जल गई है। ओह, पेट टूट जा कर। सो भाई लोग देखो, अभी हम लोग एक बीआरओ का कैंप है यहाँ पहुँच चुके हैं। एक सर आ रहे हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी कि सर हम लोग यहाँ अपना टेंट लगा सकते हैं कि नहीं, रुक सकते कि नहीं, हमें खाना मिल सकती है कि नहीं। तो आज भर के लिए भाई यहीं पर रुकेंगे, कल का पता नहीं, कल का कल देखेंगे। देखो यही वाटर क्रॉसिंग हम पार कर रहे थे और देखो अभिनव भाई उस समय इधर से पानी आ रहा था और देखो यहाँ पर हमारी क्लच प्लेट जली थी। ये वो जगह है और आज हम पहुँच चुके हैं रोहित के साथ जो मेरे पिलियन राइडर है और हम पहुंचे हैं डोमिनियर में। वो दिन अलग था, वो साल अलग था, वो महीना अलग था और हमारी बाइक भी अलग है। नया जोश है, नया शुरुआत है। चलो एक बीता हुआ वो कल था, पास्ट था। हम लोग ये जर्नी शुरू किए हैं पादुम से शुरू किए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा फ्लैश बैक में जाओ, यहाँ तक कैसे पहुँचे वो आप लोग को पता चलेगा। यश भाई हमारे साथ ज्वाइन किए इस राइड में, यूपी के रहने वाले वो प्रयागराज, वो थोड़ा सा आगे निकल गए हैं। तब तक आप लोग फ्लैश बैक में जाओ देखो और फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपना जर्नी। यहाँ जो जगह है ये है पादुम, हम ये गेस्ट हाउस में रुके हैं, कैलाश होटल एंड रेस्टोरेंट। हमारी बाइक रेडी हो चुकी है। सच में देखो सारे दुकान बंद है और आज संडे भी है, जिस वजह से आज तो लग रहा कि और दुकान खुलने वाला नहीं है, मैकेनिक शॉप खुलने वाला नहीं है। मेन टेंशन हम लोग को बाइक चेन टाइट करवाना है दोनों बाइक का हम लोग का। सुबह के 9 बज चुके हैं ना, 9 बज चुके हैं, जितना देर करेंगे उतना नुकसान है। और हमें पता भी नहीं है कि आगे रास्ता खुला है कि नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं खुला है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं खुला है, क्योंकि जिस समय हम इस राइड को कर रहे हैं अक्टूबर के समय है, वो भी अक्टूबर लास्ट का समय है। एक्चुअली ये पास बंद हो जाता है, सिंकुला पास। देखते हैं जो होगा बताएंगे, आप लोग अपडेट देंगे। ठीक है भैया, सो हम लोगों ने यहाँ पर चेन भी टाइट करवा लिया, नाश्ता भी कर लिया हम लोगों ने, आलू की पराठा और दाल राजमा। लास्ट टाइम मैंने जहाँ खाया था वहीं पर खाया मैंने नाश्ता। बाकी टाइम हो चुका है 10:25 हो चुका है। कल जब हम आए थे तो काफ़ी डर गए थे क्योंकि लोग बोल रहे थे कि सिंकुला पास वाला रोड खुला नहीं है, लेकिन फिर कुछ कुछ लोग बोले कि बीच में बंद हुआ था, लेकिन फिर अभी मौसम साफ है तो खुल चुका है। अब आगे चेक पोस्ट मिलेगा, देखते हैं वहाँ पहुँच के, क्योंकि अगर खुला नहीं होगा तो फिर हमें दोबारा सीधे सीधे, हाँ हाँ, तो अगर खुला नहीं होने से फिर हमें दोबारा लामा गुरु वाला एक रास्ता जिधर से हम आए थे पिछले बार,
सिंगला से सिरला पास होते हुए, नहीं तो फिर कारगिल वाला रास्ता जिधर से कल हम आए थे। तो मन नहीं था कि उधर से हम जाएं वापस दोबारा वही रास्ते से पिंजिला पास पार करते हुए, कि बहुत बोरियत वाला रास्ता था, ऑफ रोड था। ऑफ रोड तो आज भी मिलेगा, पर चलो नया रास्ता में ऑफ रोड करने में अच्छा लगता है। नया नहीं, मैं तो यहाँ से पिछले बार भी आया था। बाकी यहाँ से मैप में ऐसे देखो, मेरे पास जो मैप है फोलकन राइडर भाई भैया का, उसमें लिखा हुआ 90 किलोमीटर है सिंगला पास, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं 105, 110। बाकी हमने कल रात में ही तेल फ्यूल करवा लिया था, टॉप अप करवा लिया था। बाकी लास्ट टाइम हम इस बेकरी से कुछ लिए थे खाने को, और इस होटल में रुके थे, देखो इधर पार्किंग लगाते थे। सो अब भी रहो भाई, याद करो। लगभग लास्ट टाइम भी हम इतने ही बजे निकल रहे थे, 11 बजे के लगभग ही निकल रहे थे, क्योंकि तेल नहीं मिला था। बाकी 20 किलोमीटर तक ये रास्ता सही है, उसके बाद रास्ता ख़राब है। हमें आगे आगे पुरने आएगा। इस साइड तो चलो जमे हुए हैं, बर्फ़ है ऊपर ऊपर। बस सिंगला पास थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि जो सीजन पे हम लोग आए हैं मे बी टफ हो। एक इधर हम लोग गए थे उस समय, इस साइड में एक मॉनेस्ट्री है। सीजन देखो पादों में ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में ही मैं आया था तो कवर किया था। बस इस रास्ता को करना था, क्योंकि मेरा अधूरा छूटा हुआ था, बाइक का क्लच प्लेट जल गया था, NS 200 से आया था। सो इसलिए अब भी कर रहा हूँ। और उमलिंगला जाने का था, पर उमलिंगला नहीं जा सके। आप लोगों ने वोट भी डाला था कि उमलिंगला करो, पर सॉरी रहेगा उसके लिए। लेकिन मैं मई में फिर आऊँगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ। बाकी यहाँ से ये वाला रास्ता, बाकी नज़ारे देखो ऑसम है। यस भाई का बाइक गिर चुका है यहाँ पे, सो देख सकते हो भाई लकी लकली बचे हैं। जा जा उठा उठा। हाँ कैसे हो ऐसे चैन लगा हुआ रास्ता नहीं समझ रहा। एक तो दे पत्थर दे, देखो यहाँ से अगर ऐसे आप आते हो एकदम, यहाँ से एकदम शार्प टर्न है यहाँ। यस भाई को थोड़ा लगा कि रास्ता ऐसे सीधा है, यहाँ से जब नज़दीक आए तब पता चला कि ऐसे टर्निंग है। यहाँ से उनका बाइक थोड़ा सा स्किड किया और सीधे, अच्छा हुआ कि उनको कुछ नहीं लगा, बस थोड़ा सा बहुत बाइक का लेग गार्ड सब टेढ़ा हुआ है, यहाँ पर गिरे। ये देख रहे हो सराफ रिवर है, देख सकते हो। पर चलो अच्छा है कि कुछ हुआ नहीं उधर, अगर गिरते तो बहुत ख़राब होता। बाकी ब्रेक हो गया, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, उसी को हम लोग सीधा कर रहे हैं अभी। सो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से जो है कुड़ू है, कुड़ू 55 किलोमीटर एक कुड़ू आता है हमारे झारखंड में भी, और रिनू 17 किलोमीटर है। फिर से हम लोग अपना जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं, लगभग 20 मिनट यहाँ मार्क आया, 20-25 मिनट। ब्रेक टेढ़ा हो गया था, ब्रेक को सीधा किया हमने। बाकी मैंने बोला कि जब चला के एक बार देखिए अच्छा लग रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर जहाँ मैकेनिक शॉप है वहाँ जाएंगे। तो चला के देखे तो उन्हें ठीक लगा, उसके बाद सारा लगेज खुल गया था तो लगेज बांधे। सो देखो ऐसा ऐसा चीज़ होते रहता है रास्तों में, पर अब भी आओ तो थोड़ा केयरफुली चलो, संभल के चलो। ये नया रास्ता आप लोग को बना है, कैसे तुरंत टर्निंग है हमें पता नहीं होता है। जो रास्तों को हम जानते हैं उसमें तो चलो ठीक है, पर जो रास्ता को हम नहीं जानते उसमें आराम से चलो। और इधर खाई है, मुझे डर भी लग रहा, क्या पता निकलने के साथ ही ऐसा हो गया, जाना चाहिए आगे नहीं जाना चाहिए, मन में बहुत सारा दुविधा आ गया यार। तो यहाँ देखो कैसा बर्फ जमा हुआ है, इसी चीज़ का डर रहता है।
ऑफ रोड वाला पेजेस है देखो हमें मिलना शुरू हो गया है, लगभग 1-2 किलोमीटर पहले से ऐसा रोड हमें मिल रहा है। बाकी टर्मैक रोड अब नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ का जो पानी का कलर है ना एकदम नीला है। ज़्यादा साइड ले जाना भी नहीं चाह रहा हूँ मैं कि आप लोगों को दिखाऊँ, पर जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग भरोसा करो। क्यों बोला जाता है इसको जंस्कार, डेंजरस रोडों में से एक, एंड टफेस्ट रोड, डेडलीएस्ट रोड, जो भी बोल दो, देख रहे हो। देखो तो पानी एकदम नीला है कि यस भाई हमारे आगे आगे चल रहे हैं। बाकी मेरे पीछे बैठा हुआ है रोहित जो रांची से मेरे साथ में है। ये हमारा झारखंड के रांची से राइड है, हमने सचपार, किलर किश्तवार, श्रीनगर, सोंगमार्ग, उसके बाद हम कारगिल से पहुँचे पादुम, और ये पादुम से हम आज कर रहे हैं सिंकुला पास वाला रास्ता जंस्कार 2.0। हाँ नहीं, ये लोग कुछ जला रहा है, ये लोग जला रहा है, दे टायर जला रहा, टायर टायर। अरे बेटा यहाँ कैसे पार होगा, यहाँ काहे ऐसे कर दिया है, ये रास्ता बंद है क्या? वो तो जैसे भी और लेके आ रहा है, उसको बोलना ना भैया प्लान कर दिया ना, हम लोग का लेट हो रहा है, और डाल नहीं आ रहा है, और डाल नहीं आ रहा वो तो। रोहित रोकना उसको, उसको रोकना, खाली बोलना ना प्लेन, बाइक कर ले, बाइक निकलने के लिए प्लेन कर दीजिए। अरे वो गिट्टी के लिए डाल रहा है, ये प्लेन उसने किया है। अरे रोहित हटाओ, पीछे पीछे पीछे। सो यहाँ पर थोड़ा मिट्टी डाला जा रहा है, यस भाई जिस में चल रहे हैं उसी में चलते हैं। बट ये खाली बालू रहता है वही दिक्कत करता है, बाप रे बाप। हाँ हो जाएगा, हाँ ये बालू, बड़ा गाड़ियाँ चलती है ना ट्रक व्रक, तो ये बालू बन जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, पिलर में बैठा हुआ है। लास्ट ईयर मेरे पीछे अभिनव बैठा हुआ था, इस बार रोहित बैठा हुआ है, पर मंथ चेंज है, मंथ हम जुलाई में किए थे, इस बार अक्टूबर में कर रहे हैं। यहीं पर पिछले बार अभिनव हिरन देखा था, हम लोग आए थे ऊपर में, हाँ इसी के ऊपर में देखा था हिरन। हाँ ऐसे आपको कोट्स मिल जाएंगे, अलर्ट टुडे लाइव टुमारो, और भी है बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स ये बोलो या कोट्स बोलो लिखे हुए हैं। ना रोड खराब है, रॉकी देख सकते हो, रॉकी रोड है। वाओ यो, ये नेशनल हाईवे है,
का जो गांव का नाम है चा नाम है चा, और हम थोड़ा सा इधर जाएंगे आगे तो पुरने आ जाएगा। इसके बाद यहाँ फुटकल मोनेस्ट्री पड़ता है जो सबसे पुराना मोनेस्ट्री है। तो देखो फुटकल गुम्पा लिखा हुआ है, 3 किलोमीटर आप इधर से जा सकते हो बाय ट्रैकिंग करते हुए। आप पुरने पहुँचने वाले हैं और मैं याद कर रहा हूँ जब हम लोग वहाँ से थोड़ा सा चढ़ाई आता है, मैं लास्ट बार बिना को उतार दे रहा था बार बार क्योंकि बाइक चढ़ नहीं रही थी, बहुत जगह बिना उतरा था। सो एक एक चीज़ जब मैं इस रास्ते से अभी गुजर रहा हूँ तो याद आ रहा है। और जी पिछले बार मैंने मानसून में भी किया था तो इस समय वो पूरा स्लिप कर रहा था ये रास्ता। अभिनव जाता हुआ पैदल, शायद क्या यही होगा पुरने भाई, ये मिट्टी में फिर स्लिप बहुत भयानक कर रही है, इतना स्लिपरी मिट्टी है भाई, पता नहीं कौन ये बेटा इतना बाइक पूरा धस जा रहा है यार। देखो पानी का रंग देखो पूरा ब्लू ब्लू इस पानी। सब पहुंच गए पुरने का ये ब्रिज पहुंच गए हैं, देख सकते हो इसको हमें पार करना है। पुरने हम पहुंचे हैं 12:55 में, लगभग 1 बज चुका है। यहाँ से देखो लिखा हुआ पुतकल मोनेस्ट्री का वे इधर से है पर हम लोग को इधर से जाना है। तो देखो ये चढ़ाई है, आप लोग को तो गोप्रो में पता नहीं चलेगा पर 30 डिग्री पे है जरूर। और वे पत्थर भी है ना, बहुत दिक्कत हो रहा है। देख रहो चढ़ाई, देखो चढ़ाई और कुछ मत देखो। पिछले बार ये सब चढ़ाई चढ़ मैंने पा रहा था, NS के साथ कार्बोरेटर इंजन था, पर आज दिन दूसरा है भाई, आज डोमिनर है, पिलियन के साथ आज भी हूँ मैं। पर यार देखो मजा आया पर कैसे मोशन बनेगा, यहाँ स्लिप कर रहा है। चल 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 अब नहीं चढ़ेगा। कितना खुश हो रही भाई, 2 मिनट मोशन तोड़ टूट गया ना वहाँ गड्ढा उड्ढा आने से, थोड़ा ठेल दे। तो भाई लोग चढ़ाई इतनी है कि बार बार मुझे उतरना पड़ रहा है, गाड़ी में लगेज होने के कारण चढ़ भी नहीं रहा और हम हाइट में भी है तो हालत ख़राब हो रहा मेरा। बाइक नहीं चल रही है भाई, सब 200-250 cc बाइक लेके मत आना इस रोड पे, और कार्बोरेटर बाइक लेके तो और मत आना, भले मेरी FI इंजन रहती तो चढ़ जाती। देखो ये ड्रेस पहना ट्रेडिशनल ड्रेस मनाली। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए पुरने, जैसे कि आप लोगों को बताया अभी हम लोग पी रहे हैं चाय कॉफी पी रहे हैं, कैसा बना है एक नंबर, तो अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पर रुका था ये जगह पे, पर अभी रुकने का यहाँ व्यवस्था नहीं है। और एक चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए कितने सारे बाइकर्स लोग जो आए हैं, यूट्यूबर बोलो जो भी बोलो, सबके सबसे ज़्यादा स्टिकर हमको लगता है यहीं पर देखने को मिला है, देख सकते हो पूरा भरा हुआ है, पर मेरा स्टिकर नहीं है। मैं इसलिए भी नहीं करता हूँ ना, मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, नहीं अच्छा है ना, आप एकदम मेमोरेंडम अपना डाल रहे हो, सही डाल रहे हैं। तो गाइस देखो सामने का व्यू देखो क्या लग रहा है, पर यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, बस ऐसे ही मौसम रहना चाहिए। जल्दी हम लोग फिर भी कितना भी लेट करेंगे, हमको लगता है 3 बजे के आसपास हम लोग पहुँचेंगे सिंकुला टॉप या सिंकुला पास,
सो इस बार भी पुतकल मोनेस्ट्री पुतकल गुम्पा छोड़ रहे हैं। चलो कुछ बचा के रखते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम कभी आना हुआ तो ज़रूर करेंगे। करने का मन था इस बार, लेकिन है कि रोड क्लोज कभी भी हो सकता है, और जो यहाँ पर कैंप लगाता है या रहने के लिए मिलता है सारे लोग चल गए हैं, क्योंकि एक भी आप लोग का भी बाइकर या टूरिस्ट नहीं दिखा होगा, क्योंकि हम लोग जो सीज़न में आए हैं ये सीज़न में लोग नहीं आते हैं अक्टूबर के मंथ में। सो जो पुरने है वो है 12,900 फीट है फ्रॉम सी लेवल। फिर कुर्दियाक आएगा वो 13,000 में कुछ है, 13,000 के आसपास है। फिर तो हम लोग को 16,500 चढ़ना है अभी। और जो पुरने से कुर्दियाक का डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, वहीं पर हमें चेक पोस्ट मिलेगा। हो हम पहुंच गए वही जगह जहां लास्ट ईयर मेरा बाइक का क्लच प्लेट जला था। सो देखो अब भी यही वाटर क्रॉसिंग पार करने में, आई थिंक उस समय का नज़ारा कुछ और था, आप लोगों को दिखाएंगे। यहीं पर हम मेरा क्लच प्लेट जल गया था। थोड़ा देर यहाँ बाइक रोकते हैं चलो, और आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि अभिनव का पैर लंबा था तो मैंने उसको दिया था, एक जगह टायर फंस चुका था जिस वजह से वो फुल एक्सेलेरेटर ले लिया और क्लच प्लेट वहीं पर जल गई। और हम यहाँ से ढकलते हुए 3 किलोमीटर आगे गए थे बाइक को, जो हमारा हालत ख़राब हो गया था उस दिन। पता नहीं, सोच रहे थे कहाँ हम रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। लेकिन एक बार और थैंक्स टू बीआरओ जिसने हमें रहने के लिए स्थान दिया था और खाने के लिए भोजन दिया था। सच में वो मंजर था यार, लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। और यहाँ से जो हम बाइक ढकेल रहे थे एकदम चढ़ाई भी था, आप लोग को गोप्रो में पता नहीं चलेगा पर चढ़ाई था, हालत ख़राब हो गया था। बाइक ढकेलते लास्ट में फिर एक भाई बीआरओ के वर्कर थे, उसने फिर बाइक ढकेलना शुरू किया। सच में दिल रो गया था उस दिन। सो देखो राइट साइड में एक कैंप आ चुका है, तो और यही बीआरओ कैंप में हम रुके थे। सो अभी मुझे नहीं लगता कोई यहाँ मिलेंगे, क्योंकि अभी काम बंद हो जाता है। जिस महीना में हम आए हैं 6 महीना काम बंद रहता है। सो देख लो यही वो जगह था। और यहाँ से फिर हम अपनी NS200 को कैंपर में लाद के मनाली ले गए थे। मनाली में हम अपनी बाइक का क्लच प्लेट ठीक करवाए थे, उसके बाद हम घर की ओर निकले थे रांची। सो ये रूट को तो करना ही था, क्योंकि मैंने इस रूट को कंप्लीट नहीं किया था। सो सिंकुला पास है जो मैं आज फर्स्ट टाइम करूँगा अपने बाइक के साथ कंप्लीट।